बीमारी एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनते ही हमारी रूह कांप जाती है और हर ओर से बस एक ही आवाज आती है, कौन चाहता है कि वो बीमार हो और उसका नुकसान। भैया हम ये मनाते हैं कि 2 रुपया कम कमाए लेकिन बीमार ना हो। बिल्कुल सही, बीमारी से हमेशा नुकसान ही होता है, फिर चाहे वो इंसान बीमार हो या आपका पशु। लेकिन एक और चीज है जिसमें अगर बीमारी लग जाए तो आपकी यानी हम किसानों की तो कमर ही टूट जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी अपनी फसल की। जी तोड़ मेहनत करने के बाद अगर आपकी फसल में बीमारी लग जाए या फिर कीड़े लग जाएं, तो सोचिए आप पर क्या गुजरती होगी। इसलिए यह ज़रूरी है कि समय रहते हम इसका उपचार करें। आज हम बात करेंगे अपने आलू के फसल में लगने वाले रोग एवं कीड़ों के बारे में। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आलू की फसल में कौन कौन से रोग एवं कीड़े प्रमुख रूप से लगते हैं और उसके बचाव का उपाय क्या है। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि आलू की खेती में हमें किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। बीज का चुनाव एवं उपचार, खेत की तैयारी एवं आलू की रोपाई, सिंचाई प्रबंधन, कीट एवं रोग प्रबंधन, आलू की कोड़ाई से पूर्व की प्रक्रिया, आलू की कोड़ाई और आलू के कोड़ाई के बाद की प्रक्रिया। आलू के खेत में कीट एवं रोग प्रबंधन से पहले आइए देखते हैं कि हमारी पिछली वीडियो सिंचाई प्रबंधन से कितनी बातें भैया और दीदी को याद है। आपने आलू का सिंचाई प्रबंधन वाला वीडियो देखे थे? हाँ भैया, हम दीदी बहनों ने देखा था। बहुत अच्छा, तो ये बताइए उस वीडियो से आपने क्या सीखा? आलू के फसल में पहली सिंचाई रोपाई के लगभग 1 सप्ताह बाद करनी चाहिए। बहुत अच्छा दीदी। हाँ भैया, पहली और अंतिम सिंचाई को छोड़कर हर सिंचाई में जीवामृत का प्रयोग करना चाहिए और सिंचाई के समय नाली में पानी उसकी ऊंचाई से 2/3 तक ही भरना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने दीदी। आलू की कंद जब बनना शुरू हो जाए तो हल्की एवं सिंचाई बार बार करनी चाहिए। हाँ दीदी, ये अवस्था आलू लगाने के करीब 40 से 50 दिन के बाद आती है। और हाँ भैया, आलू की अंतिम सिंचाई आलू उखाड़ने के 10 से 15 दिन पहले करनी चाहिए। अरे वाह दीदी, आपको तो पिछले वीडियो के सारे बातें याद है। हाँ भैया, किसी भी फसल की अच्छी उपज पाने के लिए यह जरूरी है कि हम उसे हर तरह के कीट एवं रोगों से सुरक्षित रखें। हर फसल की तरह आलू की फसल में भी तरह तरह के कीड़े और बीमारियों का प्रकोप होता है जो फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और उपज को भी कम कर देते हैं। वैसे तो आलू का बीज उपचार के माध्यम से हमने कई रोगों से बचाव का उपाय कर लिया है, लेकिन इन उपायों के बाद भी हमारी आलू की फसल एकदम सुरक्षित रहे इसके लिए जरूरी है कि फसल की विभिन्न अवस्थाओं एवं मौसम के अनुसार हम समय समय पर कुछ जैविक कीटनाशी एवं रोगनाशी दवाओं का इस्तेमाल करते रहें। आलू की फसल में कीट एवं रोग प्रबंधन को समझने के लिए आज हम झारखंड के इचाक ब्लॉक के मंगूरा गांव में हैं, जहां भैया और दीदी हमें ये दिखाएंगी कि कीड़ों से बचाव के लिए कौन कौन सी जैविक कीटनाशी का प्रयोग कैसे और कब कब किया जाता है। इससे पहले आइए देखते हैं कि इस प्रक्रिया के बारे में दीदी और भैया का क्या सोचना है। आलू का फसल यहाँ ज़्यादा नुकसान झुलसा और ये पाला लगने से ही ज़्यादा होता है। एक बार जहाँ से पाला लग गया या झुलसा लग गया तो पूरा फसल बर्बाद ही हो जाता है। उपाय हम लोग क्या करते हैं, जो जानते हैं से थोड़ा उपाय करते हैं, जो हर साल तो पाला मार ही देते हैं। 3 साल से हैरान हो गए हैं, 3 एकड़ के खेती कर रहे हैं लेकिन पाला मार के खत्म कर दिया, हम लोग का कमर टूट गया। आलू की फसल में कई तरह की बीमारियां लगती हैं, जैसे कि अगेती और पिछेती झुलसा, काली रूसी, मोजाइक एवं पत्तियों का मुड़ना इत्यादि। लेकिन झुलसा सबसे खतरनाक रोग है। झारखंड में इसे कभी कभी किसान पाला लगना भी कहते हैं। मुख्य फसल में इसके आने का समय सर्दियों के आसपास होता है। कोहरे, बादल और बारिश जैसा मौसम होने पर यह रोग तेजी से फैलकर पौधों में दिखाई देने लगता है। इसलिए किसानों को लगता है कि फसल को पाला लग गया है, जबकि असल में यह एक रोग है जो फफूंदियों के कारण होता है। इस रोग में पत्तियों के आगे के भाग, तने और डंठलों पर छोटे भूरे रंग के धब्बे उभर आते हैं जो बाद में काले पड़ जाते हैं और पौधे सड़ जाते हैं। इसके रोकथाम में देरी होने पर आलू के कंद भी भूरे बैंगनी रंग के होने लगते हैं।
और गलने शुरू हो जाते हैं। यह बीमारी काफी तेजी से फैलता है और पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। वैसे बीज उपचार के माध्यम से हमने इस रोग के फसल में लगने की संभावना तो कम कर दी है, फिर भी इस रोग से बचाव के लिए आलू के पौधे निकलने के कुछ ही दिन बाद से खट्टा मट्ठा घोल या गोबर हींग दवा का छिड़काव हर 10 दिन पर करना चाहिए। आपके आलू के खेत में अगर यह बीमारी पिछले वर्ष भी लगी हो तो रोग से बचाव के लिए फसल के लगभग एक महीना होने के बाद से ही M45 के घोल 1 लीटर पानी में 2 ग्राम M45 पाउडर का छिड़काव 10 दिनों के अंतर पर 3-4 बार करें। छिड़काव करते समय ध्यान रखें कि पौधे के तने, पत्तियों और जड़ के आसपास की मिट्टी पर भी ठीक से छिड़काव हो। रोग लगने की स्थिति में खेत की सिंचाई अगर बहुत जरूरी हो तभी करें और बहुत हल्की सिंचाई करें। फसल को कुछ समय के लिए सूखा रखें क्योंकि यह रोग नमी अधिक होने पर ज़्यादा फैलता है। एक और ज़रूरी बात, रोग के लक्षण दिखने पर रोग ग्रसित पौधों को सावधानी से तने से काटकर किसी बोरे या प्लास्टिक के थैले में इकट्ठा कर खेत से दूर ले जाकर जमीन में गहरा गाड़ दें, जिससे कि इससे दूसरे पौधों को नुकसान नहीं हो। आलू में झुलसा एक खतरनाक रोग है और सभी सावधानियां बरतने के बाद भी कभी कभी ये रोग लग जाता है। अगर झुलसा रोग के लक्षण फसल में दिख रहे हों तो रेडोमिल नामक कवकनाशी या फफूंदी नाशक का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। इस रेडोमिल में M45 और मेटालॉक्सिल नाम का कंपाउंड होता है जो कि झुलसा रोग के लिए बहुत कारगर होता है। 20 डेसिमल खेत के लिए 40 लीटर पानी में 80 ग्राम रेडोमिल का घोल बनाएं और इसे पौधे पर, पत्तियों पर, तने पर और मिट्टी पर भी अच्छे से इसका छिड़काव करें। अगर रोग नियंत्रण में दिख रहा हो फिर भी एक हफ्ते के बाद एक छिड़काव कम से कम और अवश्य करना चाहिए। अगर रोग नियंत्रण में नहीं आ रहा हो तो एक एक हफ्ते के अंतराल पर कम से कम 3 या 4 बार इस रेडोमिल नामक फफूंदी नाशक का छिड़काव करना चाहिए। यहाँ वीडियो रोककर चर्चा करें, आलू की फसल में झुलसा बीमारी क्यों होती है और उसके रोकथाम के उपाय क्या हैं। मोज़ैक भी आलू की फसल में लगने वाली एक महत्वपूर्ण बीमारी है। इस रोग में पत्तियों पर कोढ़ लग जाता है, यानी कि पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़कर सिमटने लगती हैं और बाद में पीली पड़कर सूख जाती हैं। इस बीमारी में पौधों की वृद्धि भी रुक जाती है और पौधा बौना होने लगता है। मोज़ैक कीड़ों द्वारा फैलता है, इसलिए कीड़ों के नियंत्रण के लिए निम्हास्त्र, अग्नास्त्र और ब्रह्मास्त्र आदि का 10-10 दिनों के अंतराल पर नियमित प्रयोग करना चाहिए और जिन पौधों में मोज़ैक के लक्षण दिखाई दें उन्हें उखाड़कर तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। नियमित रूप से निम्हास्त्र, अग्नास्त्र और ब्रह्मास्त्र आदि का छिड़काव करते रहने से आलू की फसल में लगने वाले अन्य प्रमुख कीड़े जैसे रस चूसने वाले पतंगे, पत्ती पर फुदकने वाले पतंगे, वृग एवं कुतरा इत्यादि के आने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर रह जाती है और इससे फसल को होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सकता है। यहाँ वीडियो रोककर चर्चा करें, कीड़ों से होने वाली बीमारी एवं उसके रोकथाम के उपाय क्या हैं। इस प्रकार आप भी अपने आलू के फसल को समय पर और नियमित रूप से जैव कीटनाशी का छिड़काव कर इसे बीमारियों से बचा सकते हैं और इसके उपज को भी बढ़ा सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको आलू की कोड़ाई से पूर्व की प्रक्रियाओं के बारे में बताएंगे। तब तक आप सभी किसान अपने फसल की जरूरत के हिसाब से उस पर जैव रोगनाशी एवं कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करते रहिए। और हाँ, एक जरूरी बात, शरीर में चकता, जलन और खुजली होने पर आलू को काट कर लगाएं, इससे जलन में काफी आराम मिलेगा। समझौता न करने वाली बातें। झुलसा बीमारी से बचाव के लिए पौध निकलने के एक महीने बाद से ही M45 के घोल का 10 दिनों के अंतराल पर 4 से 5 बार छिड़काव करें। कीट व्याधि से बचाव के लिए पौध निकलने के बाद हर 10 दिन के अंतराल पर निम्हास्त्र, ब्रह्मास्त्र एवं अग्नयास्त्र का छिड़काव बारी बारी से करते रहें। रोग अगर फैल रहा हो तो 2 ग्राम रेडोमिल प्रति 1 लीटर पानी में
घोल बनाकर 7 दिनों के अंदर पर छिड़काव करें। Thank you.